और जम्मू कश्मीर के राजौरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, आइए सीधे लिए चलते हैं। साथ मत जुड़िए, ये फैसला अगस्त अंत में लिया गया है। भारत सरकार ने अगस्त अंत में ही ये फैसला लिया था कि विलेज डिफेंस कमेटी को मजबूत किया जाएगा। सर, ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं, लगातार एक मेजर चैलेंज बना हुआ है। घाटी में भी हाइब्रिड टेररिज्म जो है वो एक नया बनक के आ रहा है, जहां पर टेररिस्ट का कोई उनका रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उन्हें हथियार देकर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज पे टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो सर, इसके सिलसिले में क्या क्या डिसीजन लिए गए, कुछ बता पाएंगे सर? स्पेशली ड्रोन का जो थ्रेट है उसे टैकल करना। सरदार जी, ये डिसीजन अगर मैं बता पाऊंगा तो उनके लिए क्या बचेगा भैया, क्या सवाल पूछेगा? जो विक्टिम फैमिलीज हैं कई आतंकी घटनाओं में जो शिकार होती हैं, जैसे राजौरी में भी हुआ, इसी तरह से पहले कश्मीर में टारगेट की भी शिकार हुई, तो उनके लिए किस तरह से वो उनकी लाइफ बेटर हो पाए? क्योंकि राजौरी वाले इंसिडेंट में काफी जो फैमिलीज हैं वो उनकी हालतें ज्यादा लो लेवल की हैं, तो उनके लिए क्या कहना? नहीं नहीं, हर स्तर पर, चाहे घाटी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे राजौरी हो, चाहे पूंछ हो, चाहे साउथ कश्मीर हो, जो विक्टिम फैमिलीज है, इसके साथ सरकार बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। इसकी प्रस्तावित योजनाएं हैं और योजनाओं के ऊपर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को बहुत सारे अधिकार होते हैं। कई योजनाएं स्पेसिफिक किस्सों में अप्लाई नहीं होती है, कुछ मर्यादाएं आती है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन डिसाइड, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बड़े संवेदनशीलता से और सम्मान के साथ इनके परिवार की सभी चिंता की जाएगी। व्हाट इज द सिक्योरिटी सिचुएशन पोस्ट दिस ड्रोन अटैक्स इन राजौरी एंड पूंछ इन जम्मू कश्मीर? देखिए, अगर आप इस तरह से स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमने पूरी व्यवस्था की है और सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। एक घटना के आधार पर या कुछ आंकड़ों के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। मूल्यांकन करना है तो जब से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हुआ है, जन्म लिया टेररिज्म ने, तब से लेकर आज कर धारा 370 हटाने के बाद ये 3 साल में सबसे कम घटनाएं भी हुई है, सबसे कम मृत्यु भी हुई है। अब क्वेश्चन लास्ट, क्योंकि ना आज स्टे बैक नहीं करूंगा, क्योंकि कल भी मौसम के हालात 3 दिन तक ठीक नहीं बताए जा रहे हैं, मगर मैं जरूर आऊंगा और उनको मिलूंगा। थैंक यू। बता दीजिए आप अंतिम। सर, जिस तरह से पिछले 3 सालों में हमारे सुरक्षा बल जो है आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले चंद सालों में आतंकवाद जो है जम्मू कश्मीर में इसका आखिरी प्रभाव? हमारा प्रयास तो यही है और आंकड़े अगर आप देखेंगे तो इसी दिशा में जा रहे हैं। हमारे सुरक्षा बलों ने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है और सभी दृष्टि से आतंकवादियों के हताहत होने की संख्या, नागरिकों को मरने की संख्या, तो आतंकवादियों को हताहत होने की संख्या बढ़ी है, नागरिकों के मरने की संख्या कम हुई है। और जो माइनॉरिटी किलिंग की बात करते उसमें भी सबसे कम आंकड़ा यही 3 साल में। धन्यवाद। तो गृह मंत्री अमित शाह प्रेस से मुखातिब थे। राजौरी में टारगेट किलिंग पर होम मिनिस्टर ने बहुत सी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सुरक्षा एजेंसियों से, पीड़ित परिवारों से क्या क्या बात की, यह भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार है, तमाम जो एजेंसियां हैं पूरी तरह से अलर्ट पर है, और उन्होंने जो पीड़ित परिवार हैं उनसे भी मुलाकात की है। क्या कुछ और कहा अमित शाह ने, आइए एक बार आपको फिर सुनवाते हैं। राजौरी के क्षेत्र में इनके आप्तजनों से मिलना और इनकी दुख में सहभागी होना ये उद्देश्य था, परंतु आज मौसम के कारण वहां मैं पहुंच नहीं पाया। सभी के सभी सातों परिवारों के सभी सदस्यों के साथ मेरी टेलीफोन पर बातचीत हुई है और
क्योंकि मौसम के कारण मैं जा नहीं सकता था, तो टेलीफोन के माध्यम से उनके दुख के अंदर सहभागी होने का मैंने प्रयास किया है। उनकी जो बातें हैं उसको ध्यान से सुनी है। एलजी श्री मनोज सिन्हा जी भी मेरे साथी थे जब मैं बात कर रहा था। उनका हौसला पूरे देश के लिए उदाहरण रूप हौसला था। सभी लोगों का कहना था एक क्षेत्र हमारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। कुछ परिवार पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से भी आए थे, फिर भी डटकर लड़ने का मूड, इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रदर्शित होना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आज यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ, विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहां पर चर्चा हुई है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू पुलिस का एसआईए का टीम हो या सेना हो, इस सभी एजेंसियां शत प्रतिशत मुस्तैद है और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में इन घटनाओं को रोकने के लिए इनका मनोबल भी बना हुआ है। ये दोनों घटनाएं जो दो दिन में हुई, उसकी जांच कल ही भारत सरकार ने एनआईए को सौंप दी है। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत डेढ़ साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इस सारी घटनाओं को एक साथ रखकर हुए साथ रखते हुए ये टीम आतंकवादी गतिविधियों की जांच उसी दायरे में करेगी। इसके साथ साथ ओजीडब्ल्यू के लिए भी आतंकवादी ग्रुपों के सपोर्ट सिस्टम के लिए और उनके सूचना तंत्र के लिए भी सभी पहलुओं पर आज चर्चा हुई है। पर एक कह सकते हैं कि संपूर्ण 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का आज सभी एजेंसियों ने भरोसा भी दिलाया है और इस पर चर्चा भी हुई है। हमारी जितनी भी सूचना की एजेंसियां हैं, इन्होंने भी अपनी गतिविधि को और टाइटन करने का फैसला भी बनाया है, रणनीति भी करी है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जिन लोगों ने भी ये घटना करी है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत कम समय के अंदर नसीहत करेगी और उनको कानून के दायरे में लाकर कोर्ट के सामने खड़ा करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।